जात पात तो बिना हनुमान के ऐसी थी जैसे महाभारत में अर्जुन के बिना पांडव थे, या सारे राजपूत सम्मेलन 50 करने के बाद भी एक धरु सिंह या कल्याण सिंह कालू को पैदा कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं जाति कभी नहीं जाती, और इलेक्शन से पहले तो बहुत जोर से है आती, ये सब कुछ जातियों के साथ होता है। और अब राजस्थान इलेक्शन से पहले महासभाओं के रूप में लगातार सारी जातियां एक अपने अपने सारे लोगों को एक करने में लगी हुई है। फिलहाल बिना हनुमान बेनीवाल के जाट महासभा हो गई, हीरक जयंती के रूप में पहले एक राजपूत महासभा हो गई, फिर से एक और राजपूत महासभा करने के लिए आह्वान गोगा मेड़ी ने कर दिया, ब्राह्मण महासभा के लिए यहाँ घनश्याम तिवाड़ी एक नया आह्वान करने जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सोशल इंजीनियरिंग की कोशिशें तेज हो रही है, और मेरे साथ जो मौजूद हैं वो इस सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाते हैं, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, चंद्रराजे सिंघवी। सर, इलेक्शन में 10 महीने बचे हैं और उससे पहले पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए महासभाओं का दौर शुरू हुआ है। हाल ही में एक पूरा राजनीतिक हथकंडे के रूप में जाट महासभा भी हुई, जिसमें बिना हनुमान बेनीवाल के जाट महासभा कर दी, और अब ब्राह्मण महासभा हो रही, क्या कमेंट आ रहा है? जाट महासभा तो बिना हनुमान की ऐसी थी जैसे महाभारत में अर्जुन के बिना पांडव थे, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब रहा सवाल ब्राह्मण महासभा का, करो, परशुराम जिंदाबाद, क्या बुराई है? राजपूतों ने पहले की, अब भी कर लेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सारी जाट महासभा 10 कुंभ करके भी एक नाता पैदा कर सकते हैं? क्या सारे राजपूत सम्मेलन 50 करने के बाद भी एक धरु सिंह या कल्याण सिंह कालू को पैदा कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। क्या सारी ब्राह्मण महासभा मिलकर के एक हरिदेव जोशी को जन्म दे सकते हैं? इन महासभा का कोई अर्थ नहीं है। ये अल्लाह गुला टीमें होती है, आती है, समाज के लोग आते हैं, बुलाए जाते हैं, कुछ खुला भी जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठ बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, अपनी पार्टी की जिंदाबाद बोलते हैं, जाति का बोलना चाहिए। इसको मैं नेगेटिव नहीं मानता, महासभाएं नेगेटिव नहीं है, मगर इनका पॉजिटिव रिजल्ट कुछ भी नहीं होता है, होता ही नहीं है। कितनी महासभा की, कितने आंदोलन किए। मैं गुजरात का जब चुनाव में गया था तो केजरीवाल ने खूब मीटिंग की, बिजली बांट दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा। तो मैंने कहा गुजरात के लोग भिखमंगे हैं क्या? तो तेरे पानी के गिलास और बिजली के करंट के लिए तेरे को वोट देंगे, तेरी 4-5 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। 4-5 ही आई। मैं कहता हूँ महासभाओं का कोई अर्थ, लेकिन अगर महासभाएं अपने समाज की उन्नति के लिए होती है हमें कोई एतराज नहीं है। सवाल यह कि वैश्य समाज महासभा नहीं करता है, इसका कारण है। बाकी महासभाएं तो लाखों में रहती है। जिस दिन राजस्थान के दुकानदार महासंघ, वो भी एक राजनीतिक पार्टी बन गई है, वो चाहेगी तो सारे बाजार बंद करा देगी। ये होता है, कुछ पार्टी के भय से आते हैं, कुछ प्रेम से आते हैं, कुछ मित्रता से आते हैं, कुछ दिखावे से आते हैं, आ जाते हैं। मैं महासभाओं को महत्व नहीं देता, मैं आम सभा को महत्व देता हूँ। जब मोदी आम सभा में जाता है तो 10-10 महासभा जितने लोग कट्टर ध्वनि से मोदी 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 के नारे लगाते हैं, तो मुझे लगता है एक तरफ मोदी है, दूसरी ओर इब्राहिम लोदी है और कोई नहीं है। तो जब ये सारी चीजें हो रही है, सारे आयोजन हो रहे हैं, एक सवाल और भी उठता है कि राजस्थान प्रदेश में सबसे ताकतवर जाति कौन सी है, इसका जवाब आप कैसे दें? ये कोई कुश्ती लड़ने का मामला तो है नहीं, हेड गिने जाते हैं, तो जाट सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्राह्मण है, राजपूत बराबर है, और वैश्य समाज एकत्रित हो जाए इनमें से किसी से कम नहीं है। दूसरा, ये तो जिलों जिलों में फैले हुए हैं, जाट नागौर में, चुरू में, गंगानगर, इस एरिया में, कुछ हनुमानगढ़ में, जहाँ हनुमान जाता है वो जाट एरिया है। लेकिन ये बनिया तो हर गांव में है, हर ढाणी में है, छोटे छोटे बाजार में है, छोटे छोटे दुकानदार है, मगर ये संगठित नहीं है। अरे जिस दिन ये संगठित हो जाएंगे उस दिन और सब महासभाओं की जरूरत नहीं रहेगी, एक महासभा ही बहुत है। इसमें मैं इन महासभाओं को राजनीति के अंदर अपने समाज के उत्थान के लिए की गई सभा के रूप में परिभाषित करता हूँ, राजनीति में रूप में इनको परिभाषित नहीं करता। तो राजनीति के रूप में कोई मतलब नहीं है महासभाओं का, और अगर ताकत के रूप में देखा जाए तो चंद्रराजे सिंघवी का कहना है कि वैश्य समाज अगर एक हो जाए तो वो किसी से कम नहीं है। कैमरा पर्सन रुचिका के साथ वरुण मंचाली, राजस्थान संवाद के लिए। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना,
वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।